आईएनएस विक्रांत मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से किरीट सोमैया पर निशाना साधा है। संजय राउत ने सोमवार को दावा करते हुए कहा है कि किरीट सोमैया अपने बेटे के साथ फरार हो गए हैं। राउत ने पूछा कि कहीं मेहुल चौकसी की तरह भाग तो नहीं गए। संजय राउत ने महाराष्ट्र भाजपा को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि किरीट सोमैया बेटे के साथ फरार है, न्यायपालिका पर दबाव बनाकर यह ठग छूटने की कोशिश में है। अदालत को गुमराह करने के लिए भले ही जाली दस्तावेज बना ले, तब भी सच्चाई की ही जीत होगी। फिलहाल प्रश्न यही है कि ये दोनों ठग कहाँ हैं, कहीं मेहुल चौकसी की तरह भाग तो नहीं गए। बता दें कि हाल ही में मुंबई पुलिस ने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकत्रित की गई 57 करोड़ रुपए से अधिक की निधि में कथित अनियमितता को लेकर किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया है। ये FIR 53 वर्षीय रिटायर्ड फौजी बबन भोसले की शिकायत पर दर्ज की गई थी। संजय राउत ने इससे पहले किरीट सोमैया पर INS विक्रांत को बचाने के लिए दान के तौर पर लोगों से जमा की 57 करोड़ रुपए की निधि के गबन का आरोप लगाया था। आरोप को खारिज करते हुए सोमैया ने कहा था कि अगर राउत के पास कोई सबूत है तो उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपना चाहिए। DRV न्यूज़ के लिए मनीषा जोशी की रिपोर्ट।